कल 22 जुलाई है और सावन का महापर्व शुरू हो गया है। पूरे देश में जो कांवड़िए हैं, जो शिव भक्त हैं, वो लगातार बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकल रहे हैं और अलग अलग जगह से तमाम ऐसे जत्थे कांवड़ियों के देखे जा रहे हैं जो बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर उन पर जलाभिषेक करने के लिए अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। पूरे देश में ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार से एक नया फरमान जारी हुआ है और ये फरमान इस बात का है कि कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाली जो भी दुकानें होंगी उन दुकानों पर दुकानदारों को अपना नाम और पता ज़रूर लिखना होगा। हालांकि ये अजीब है, लेकिन इस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। ये बाज़ार है और यहाँ पर तमाम दुकानदार हैं, फल विक्रेता हैं, तमाम दुकानें हैं और ऐसे फरमान से अब पूरे प्रदेश में एक नया माहौल सा बन गया है। लोगों असमंजस में हैं, हर आदमी एक नया सवाल करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर कांवड़ियों के लिए रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर अब उनके दुकानदारों के नाम क्यों दर्ज कराए जा रहे हैं, क्यों लिखवाए जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर कांवड़ यात्रा से पहले इस तरीके का जो फरमान है वो कितना वैधानिक है, इसके बारे में लोग यहाँ पर हैं, हम उन सभी लोगों से बात करेंगे। सर ये बताइए कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में सबसे पहले एक फरमान जारी हुआ कि जितनी भी दुकानदार हैं जो कांवड़ यात्रा में उनकी रास्ते में पड़ेंगी वो सभी अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ तक कि अगर होटल और रेस्टोरेंट भी पड़ रहे हैं तो वो अपने स्टाफ का नाम ज़रूर लिखें। इसे क्यों मानना है और ये पूरे प्रदेश में लागू हो गया है, क्या लग रहा है, क्यों बनाया गया है इस तरीके की चीज़ें? दरअसल बात ये है, मैं पहले अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम अतीक अहमद है, मैं IUML का सिटी प्रेसिडेंट कानपुर। एक तो ये जो फरमान जारी हुआ है ये संविधान के विपरीत है। सबसे मेन बात जो ये है, अब अगर कोई फल बेच रहा है, फल बेचने वाले से एक सवाल पूछा जाए कि भैया ये जो फल आप लाए हो किस बाग का है, ये राम का है कि रहीम का है, पहले तो ये तय हो जाए। और दूसरी बात, हम डेमोक्रेसी हमारा मुल्क है, यहाँ पर इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि जहाँ पर बगैर स्ट्रेचर के, बगैर एम्बुलेंस के लोग मर जाते हैं, दो बूंद बरसात में लोग मर जाते हों, लाइट बंद हो कर दी जाती है, हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं और ये फरमान जहाँ पर जारी हो रहा है, ये सरकार ये बताए कि यहाँ तक कि ये बात कहाँ तक के वाजिब है। ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए BJP का जो ये हश्र हुआ है उसको कैसे बैलेंसिंग किया जाए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को कैसे बांटा जाए, ये सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा बनाया गया है और इसके आगे मुझे कोई नहीं लगती है। और आपके, मैं आपको और एक बात बताना चाहूँ कि ये जो स्थिति हो रही है वो स्थिति हमारे मुल्क के लिए जो ये स्थिति पैदा की जा रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत संयम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये मुल्क भारत के लिए अच्छी नहीं है। ये जो नौजवानों का आने वाला फ्यूचर है, हम उनको क्या उनके लिए कर रहे हैं, उनको क्या बो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमारे ढाबे वाले हैं या कांवड़ यात्रा में जो लोग पकड़े हैं उनके भी बीवी बच्चे, उनका भी घर परिवार है, क्या लोग जाएंगे और कहेंगे ये अब्दुल की दुकान है, खुदा ना खास्ता कोई 19-20 बात हो गई, अगर वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अभी मैंने आज पेपर में पढ़ा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूँ कि आज एक नॉन मुस्लिम का ढाबा था जहाँ पर प्याज को लेकर, आप सोचिए मेरे भाई हम किस स्थिति में पहुँच गए हैं, जहाँ पर प्याज को लेकर एक बात ये आई कि इसमें प्याज कैसे पड़ी है सब्जी में, और वहाँ पर उस ढाबे वाले को जो कि राम का था वो रहीम का नहीं था, उस राम के ढाबे के ऊपर कांवड़ियों ने जो नंगा नाच किया है उसको पूरी दुनिया ने, पूरे भारत ने देखा है। ये हद तक के कहाँ सही है, ये मैं बाबा योगी आदित्यनाथ जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, ये अपने दिल में झाके और बताएं वो रहीम की दुकान नहीं थी, वो राम की दुकान थी, क्योंकि रहीम भी मेरा भाई है, राम भी मेरा भाई है, हम दोनों को बांटे ना, हम एक करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों को डिवाइडेशन में करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक के सही है। और ये फरमान जो एक महीने का ये जारी हुआ है, ये यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब इन्होंने जांच लिया है कि BJP का जो हश्र है वो इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है, और ये उलझुल इस तरीके के फरमान जारी करके सिर्फ भारत को जो है विभाजन की विपरीत राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो देखिए, ये जो सरकार का जो फरमान है इसे कहीं ना कहीं राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है, कुछ और भी लोग हैं उनसे बात कर लें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद एहसास बॉबी है। सर
आप ये बताइए कि कांवड़ियों के जो रास्ते हैं, जहां से वो गुजर रहे हैं, उस रास्ते में पड़ने वाली सभी दुकानों पर अब दुकानदारों को अपने नाम लिखने का फरमान जारी हुआ है, कहां तक इसे जायज माना जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आजकल मीडिया के ज़माना है और व्हाट्सएप फेसबुक पे जो भी अभी आप वीडियो और फोटोज़ आ रही हैं, अभी चंद फोटोज़ मैंने और शायद आपने भी देखी होंगी कि कांवड़ियों की यात्रा निकल रही थी, जिसमें मुसलमान भाइयों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनको पानी जूस जो भी हो सका उनसे उन्होंने प्रोवाइड कराया। मगर ये राजनीति, जिस गंदी राजनीति, मैं तो इसको कहूँगा कि हमारे आपको बांटने की सोच, शायद ये अभी जो 2024 का एमपी का इलेक्शन हुआ है, जो उससे हताशा मिली है हमारे यूपी में, तो वो कहीं ना कहीं उसको फिर से एक जगह के लोगों के बीच में फाड़ करके हमारे आपके संबंधों को ख़राब करके आने वाले 10 जो वो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं, ऐसी तमाम तस्वीरें हमने और आपने सभी ने देखी होंगी जहाँ भाईचारे से जुड़ी हुई सौहार्द की कई तस्वीरें हैं, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं, होली भी मिलकर साथ मनाते हैं, दिवाली भी और ईद भी। लेकिन अब इस तरीके के फरमान से क्या लगता है, क्या माहौल ख़राब हो सकता है? देखिए, माहौल ख़राब उनका होगा जिनकी सोबतें ख़राब होंगी। मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते थे कि बेटा, अच्छों की सोबत में बैठा करो तो अच्छी सोच और अच्छे संस्कार आएंगे। तो ये जो लोग हैं, इनकी मुझे लगता ही नहीं कि इनकी सोबत अच्छी होगी और ये अच्छों के बीच में बैठते होंगे, क्योंकि मैं आज 47 का हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेरे दोस्त, चाहे वो आलोक मिश्रा जी हों या वो पंकज गुप्ता हों, आज हमको लगता नहीं है कि, या उनको नहीं लगता कि हम घर से अलग हैं। मैं उनके घर जाता हूँ किचन तक और वो मेरे घर आते हैं किचन तक, हम लोगों में कभी नहीं बांटा। मगर आज ये 2014 के बाद से उन लोगों को आने में कहीं संकोच, आज वो श्याम नगर में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोच लोगों के दिल में, ये चाहते हैं कि घर करें और हम लोग में बंटवारा करें। मगर हम हिंदुस्तानी हैं, सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, ये दोस्ती जो है वो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगी और दोस्ती का और भाईचारे का परचम इंशाल्लाह ऐसे ही लहरता रहेगा। तो देखिए, लगातार तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। सोहबत की एक बात इन्होंने करी है कि जिनकी सोच और सोहबत अच्छी होती है तो उसका फ़र्क अलग पड़ता है, और ये जिस तरीके का फैसला है ये कहीं ना कहीं सोच और सोहबत पर भी अंकित हो रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। साहब, ये बताइए कि ये जो फरमान है प्रदेश सरकार का, इसे कैसा देख रहे हैं? देखिए, मज़हब नहीं सिखाता आपस में भय रखना, हिंदी अहम वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा और इस देश के लोगों ने इस तराने को पढ़ा तो एक गर्व सा महसूस करते हैं। लेकिन आज ये जो माहौल देख रहे हैं, आज ये माहौल हमारी गंगा जमुने तहजीब को ख़त्म करने वाली है। जिसे हमारे पुरखों ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया था, हमें लगता है कि अब हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों को, वो चाहे किसी धर्म किसी जात के, उनको अंग्रेज चोरों भारत छोड़ो का नारा देना पड़ेगा, चोरों भारत छोड़ो का नारा देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है, ये हमारी एकता हमारी अखंडता को तोड़ने का चल रहा है। मैंने बचपन में जो है किताबों में पढ़ा है, सुना है, देखा है कि ये कहा गया है कि जब तक बनारस की घाट पे बिस्मिल्ला खान साहब की सेनाई नहीं बसती थी, वहाँ पे सवेरा नहीं माना जाता था। तो ये हमारी एकता अखंडता को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो है हथकंडे अपना रही है, और सिर्फ ये राजनीति हताशा है, क्योंकि इस देश की जनता ने उनको दिखा दिया है कि तुम जो है 400 पार का जो सपना देख रहे थे, ये तुम्हारा सपना हम कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि ये देश सेकुलर एक देश है, जो संविधान की प्रस्तावना है वो भी सेकुलरिज्म को जो है दर्शाता है, तो इसलिए उन्होंने इसको इनको जो है दिखाया कि हम तुम्हें इस सरकार में नहीं आने देंगे। ये हताशा है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 10 उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं ये सब माहौल करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर, जो अंग्रेज़ों ने अपनाई थी वही पॉलिसी अपनाकर आज जो है हिंदू और मुसलमान की एकता को तोड़ने का ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इसका मुँह तोड़ जवाब लगातार जो है जो सेकुलर लोग हैं वो किसी धर्म के वो देते चले आ रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि जो शिव की भक्ति में जो कांवड़ यात्रा लेके इतने निकल रहे हैं, और शिव का अगर हिंदू उसमें देखा जाए तो शिव को बहुत बड़ा माना जाता है और शिव शक्ति को बहुत ज़्यादा वो मानते हैं, अगर वो उनके वाकई में जाए असली अनुयायी है तो हमें लगता है कांवड़ियों को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो इनके अंधभक्त हैं, जो उस टोलियों में जो है जो उन्माद फैलाने के लिए चल रहे हैं, जैसे अभी एक ढाबे में उन्होंने ढाबा बोला, ठेलों पे बोला, लूटपाट मचा रहे हैं, तो ये एक पार्टी विशेष के लोग हैं, ये अंधभक्त लोग हैं, इनसे समझने की जरूरत है बाकी लोग। तो देखिए, लगातार लोग अपनी राय देते चले आ रहे हैं, उनका कहना है कि जो शिव को मानने वाले हैं वो इस तरीके की मानसिकता को पसंद नहीं करते हैं। ये भले ही देशभक्त जो लोग हैं उनके जहन में ये बात नहीं आएगी, लेकिन जो लोग अंधभक्त हैं
उनके जहन में ये फरमान हो सकता है ज़रूर लायक माना जा रहा हो। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लीजिए। तस्वीर देख लीजिए, ये हाथ में आम को लिए हुए हैं, और ये आम क्यों है इनके हाथ में, ये भी इनसे ज़रूर पूछ लें। साहब, ये क्यों हाथ में लिए? मिसाल दे रहे, ये आम है हरा, ये है मुसलमान, ये है पीला, ये केसरिया। अब आप बताइए, क्या हम हिंदू मुसलमान को इस तरीके से डिवाइडेशन करेंगे? मेरे भाई, कितने अफसोस की बात है, जब कोई भी चीज़ जो ऊपर वाले ने, कुदरत ने, ईश्वर ने, भगवान ने हम इंसानों के लिए पैदा की है, जब उसने भेदभाव नहीं किया है, तो हम इंसानों की कितनी बड़ी औकात हो गई है कि हम इस चीज़ को डिवाइडेशन ले आएँ और हिंदू और मुसलमानों में दोनों को डिवाइड करें। लिहाजा जिस तरीके से फल नहीं अलग अलग हो सकता है, वैसे हम इंसान, हिंदू और मुसलमान, भारत के जो लोग हैं, मैं इंशाल्लाह ये बात की दलील देता हूँ कि वो कभी नहीं होंगे। जो कुछ लोग अनभक्त हैं, जिनके जहनों में गोबर घुस चुका है, हो सकता है उनको मेरी बात बुरी लगे, मगर जो पढ़े लिखे समझदार हैं, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हैं, वो चाहते हैं मेरे लिए पहले मेरा भारत है, पहले मेरे लिए मेरा देश है। हम देश के लिए जान देने को भी तैयार हैं और देश के लिए जान लेने को भी तैयार हैं। जैसे ये आम दो मैंने आपको मिसाल कायम की, इसी तरीके से ये हिंदू और मुसलमान हैं, ये इंशाल्लाह मरते दम तक के एक रहेंगे और एक होने की बात करते रहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर तमाम दुकानें हैं और ये फलों की दुकानें हैं, यहाँ पर लोग लगाए हुए हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी इस बात से वाकिफ हैं कि किस तरीके से जो प्रदेश सरकार का जो फैसला सुनाया गया है कि दुकानों पर उन्हें अपने नाम की तख्ती लगानी होगी, और इस फैसले से तमाम लोग नाखुश भी हैं। एक साहब और हैं, उनसे बात कर लें। साहब, क्या नाम है? मेरा नाम जावेद हसन है। जावेद साहब, ये बताइए कि व्यापारियों में इसका क्या असर दिखाई दे रहा है, जो रोड पर हैं, जिनकी दुकानें हैं? मैं अपनी बात एक शेर शुरू करना चाहता हूँ कि ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलिश है तो निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा, ये हम सब का वतन है, बचा लो इसे। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो फरमान जारी किया गया है, इससे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि को धूमिल किया गया है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर अगर देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये बुद्ध का देश है, ये युद्ध का देश नहीं है, और वो ये कसम खाते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और उस छवि को बनाए रखने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ इस तरह की हल्की हरकत कर लोगों में नफरत का पैगाम देना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश को बचाने के लिए 95% हिंदू और मुसलमान साथ रहकर इस देश में मोहब्बत को कायम किया है और इस देश को कायम किया है। 5% लोग इसको अगर पहले भी ख़राब करने की कोशिश करी थी और आज भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 95% यहाँ पर हिंदू भाई और मुसलमान भाई आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं। ये हम इनकी कोई भी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे और इस देश में अमन को बरकरार रखेंगे। तो देखिए, लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस तरीके से लोग अलग अलग नज़ीर भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान अलग नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस देश में हिंदू और मुसलमान को अलग करना चाहते हैं। फिलहाल कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांवड़िए जो हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर इस नेम प्लेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अंधभक्ति कर रहे हैं उसका इस पर असर दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।